ओके सो हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 48 लेवल 2 हाइड्रोस्टेटिक क्लास 9 करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर एक बहुत अच्छा 47 क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने किया, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, उससे पहले 45 और उससे पहले 44। लेवल 1 VSTQ सारा थ्योरी ये सब हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। तो ये और कुछ नहीं बल्कि इस पे क्या कंसेप्ट है, इसकी इस कंसेप्ट पे बनेगा कि कंसेप्ट क्या है कि प्रेशर एट सेम लेवल इन सेम लिक्विड आर इक्वल, है ना। प्रेशर एट सेम लेवल, है ना, इन सेम लिक्विड, अगर लिक्विड सेम हो और सेम लेवल पे अगर हम देखें तो प्रेशर सेम होता है। जैसे कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है ना, इस पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का मैं देख रहा हूँ, ये वाले, ठीक है, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लिक्विड है, यहाँ भी CCl4 है, यहाँ भी CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीन तरह के लिक्विड है। ऊपर में लाल से जो मैंने किया वो ऑयल है, और ये जो येलो से है ये वाटर है, और जो ये ब्लू से है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ऑयल का डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका कितना है 15 सेंटीमीटर, कॉलम किसका है, ऑयल का है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ये पूरा क्या है, वाटर कॉलम है, इसी को निकालना है। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया। तो एक कंसेप्ट क्या है कि सेम लेवल पे अगर लिक्विड सेम है तो प्रेशर दोनों पॉइंट पे सेम होता है। तो अब ये नहीं कि अब कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी तो बन रहा है ऐसा, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ पर इस पॉइंट का जो प्रेशर है और इस पॉइंट का प्रेशर, ये भी तो सेम होना चाहिए, ये भी तो सेम लेवल पे है। नहीं, क्योंकि यहाँ लिक्विड डिफरेंट है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है यहाँ पर, और यहाँ पर वाटर है, तो क्या लिक्विड सेम है? नहीं। इसी तरह का गलती बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन फिर नहीं बनता है उस तरह से। फिर से ये दोनों पॉइंट पे मैंने सेम क्यों नहीं किया, नीचे ही क्यों सेम किया मैंने, इस दोनों पे क्यों, क्योंकि दोनों सेम लिक्विड है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेकिन इस पॉइंट पे एक जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पर भी, यहाँ तक पूरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। आप दूसरा वाला से भी कर सकते हो, फिर से देख लेता हूँ, देखो ये पूरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है और यहाँ पर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ऐसा तो सेम नहीं होगा, तो ये सेम नहीं होगा लेकिन ये सेम होगा, ठीक है। तो मैं इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ और पॉइंट बी मान लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट बी मान लेता हूँ और यहाँ पर पॉइंट ए मान लेता हूँ। तो इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। अब PA लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मान लो ये कैपिटल H है, ठीक है, और ये दूरी स्मॉल H है, तो यहाँ से कैपिटल H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल H होगा। देखो तो ध्यान दो, ये 15 सेंटीमीटर है और ये दोनों सेम लेवल में है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये दोनों सेम लेवल में है। क्वेश्चन में क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है हमारा यूट्यूब कंटेंट, यूट्यूब ये वाला यूट्यूब नहीं जिस पर तुम देख रहे हो, ये यू शेप का एक ट्यूब होता है, ठीक है, ऐसे मूवमेंट एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, कंटेंट्स ऑल कार्बन एंड वाटर, ठीक है, एस वन डेंसिटी दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, ओके। तो इसलिए मैंने वाटर कॉलम का हाइट फाइंड, यानी एच का वैल्यू फाइंड करना है, एच कैपिटल एच इज इक्वल टू वाट। तो कैपिटल एच निकालने के लिए हमें स्मॉल एच निकालना होगा, स्मॉल एच क्या है कि ऑयल से लेके इस पॉइंट बी के बीच की दूरी, यही बात है ना, स्मॉल एच निकालने के लिए, ज्यादा मैंने इसको साफ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो PA को क्या लिखूं, तो ऊपर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ही, PA पॉइंट ए पर प्रेशर कितना होगा, तो ये तो खुला है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम P मान लेते हैं, ठीक है, वैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर कैंसिल ही हो जाना है क्योंकि ये दोनों तरफ क्या है, ओपन है, तो पी प्लस फिर HDG, है ना, HDG, तो कैपिटल H और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू, बी को क्या लिखूं, PB, तो PB पहले एटमोस्फेरिक प्रेशर, इस ऑयल पे यहाँ पर कितना लग रहा होगा प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर, इसलिए P लिख दिया। उसके बाद इस ऑयल के कॉलम के चलते इतने दूर जो ऑयल है ना, इसके चलते यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा होगा हमारा, HDG यानी 15 सेंटीमीटर इंटू और 0.8 इंटू जी, ठीक है, और प्लस
प्लस, क्यों? क्योंकि फिर ये एच, स्मॉल एच हाइट किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, स्मॉल एच, कैपिटल एच नहीं, स्मॉल एच कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो इसलिए मैंने स्मॉल एच इंटू एच डी डेंसिटी किसका, उस लिक्विड का, जिसके चलते मैं कि कहाँ पर प्रेशर देख रहा हूँ, बी पर। बी पर प्रेशर किसके किसके कारण है, एक तो एटमोसफेयर के कारण है, फिर इस ऑयल के कॉलम के चलते है, इस ऑयल कॉलम के चलते है, फिर इतना इतना दूरी है कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉलम के चलते है इंटू, सॉरी 1.6 होगा ना, वाटर थोड़ी है कि हाँ वन आप डेंसिटी लेके चले जाओगे, तो ये 1.6 है ना, 1. मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही इंटू जी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, तो पी से पी दोनों तरफ तो पी है, तो पी से पी तो आप पी माइनस पी तो जीरो हो जाएगा, पी माइनस पी प्लस एच जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 15 * 20 से 12 g और प्लस 1.6 एच जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू 10 m/s². समझ में आ रहा है, मैं ए पॉइंट और ये ए पॉइंट है, ओके, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दोनों के प्रेशर दोनों सेम होगा, क्यों? क्योंकि सेम लिक्विड है और सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, अगर वो लिक्विड रेस्ट में है तो, और ये लिक्विड पूरा, ये पूरा सेटअप क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसीलिए पी माइनस पी जीरो। और एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 cm + इंच लिख सकता हूँ, तो 15 cm + इंच लिख दूं इस इंच के चलते, ये तो जीरो हो गया, पी माइनस पी जीरो, कैपिटल एच को मैं 15 + स्मॉल इंच लिख सकता हूँ, जी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30, इतना जी, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये 12 g + 1.6 hg। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक तरफ आप इसको ला दो तो 15 g - 12 g, वैसे जी जी पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो सब में कॉमन आ रहा है ना, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 1.6 hg - hg, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 3 g = 0.6 g, यहाँ से क्या आ जाएगा, जी से जी कैंसिल और यहाँ एच भी तो होगा, भूल मत जाना, पता चला कि 3 g = 0.6 g लेके बैठे हुए, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 cm, स्मॉल एच इज इक्वल टू 5 cm, आंसर आ गया हमारा, आंसर गलत, अरे आंसर ये तो स्मॉल एच आया है ना, हमें क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम तो कैपिटल जी है, ये हाइट ऑफ वाटर कॉलम है, ओके कैपिटल जी, और कैपिटल जी किसके बराबर है 15 cm प्लस स्मॉल एच, और स्मॉल एच किसके बराबर है 5 cm के बराबर, तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 cm + 5 cm = 20 cm, यानी हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना आ जाएगा, ये हमारा 20 cm हाइट ऑफ वाटर कॉलम है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सा है, ठीक है। ये चीज तो आप इसको फिर से दोबारा देखना, मैंने कौन कौन से पॉइंट को लिया, ऊपर वाले पॉइंट को क्यों नहीं लिया, नीचे वाले को क्यों लिया, और ये एटमोसफेयर प्रेशर कैंसिल कैसे हुआ, जी का वैल्यू 10 m/s² है लेकिन ये कैंसिल ही हो जाता है, तो आप अगले बार से इसको ध्यान में रख सकते हो, स्मॉल एच निकाला लेकिन यहीं पर मत रुक जाना, कैपिटल एच निकालना है, ऑप्शन में 5 cm भी होगा, पता चला कि उसी को आपने टिक करके आ गया और यहाँ खुश हो रहे हो, तो वहाँ पर फिर कोई आंसर नहीं मिलेगा वो, और नहीं तो नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा अगर 5 cm वाला ऑप्शन टिक कर दिए तो, ठीक है आंसर 20 cm होगा, क्योंकि टोटल हाइट ऑफ वाटर, ये तो स्मॉल एच मैंने खुद से माना है, क्यों? क्योंकि मुझे मानना ही था, मुझे इस लाइन को करना था, ठीक है, मुझे इस लाइन को बताना था, इस लाइन को मुझे पूरा करना था, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर सेम करना था, तो मुझे कुछ ना कुछ तो हाइट मानना पड़ता ना, इसलिए मैंने स्मॉल एच माना था, सो हाइट ऑफ वाटर कॉलम क्या हुआ 20 cm। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो और जाके वीडियो देखो, आगे के क्वेश्चन भी बनाए जाएंगे, थैंक यू।